नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा से स्वागत करता रहता हूं। लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बड़ा अशोभनीय है, इस प्रकार की धमकियां देना जब आचार संहिता लगी हुई है। बुधवार को बाड़मेर में होटल कैलाश इंटरनेशनल में सुबह 9:30 बजे मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने यह बात कही। उन्होंने शिक्षा मंत्री के लिए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा करना नहीं चाहिए। 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आए पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल की नामांकन सभा और रैली में भी शामिल हुए। अब पायलट ने भाजपा के 400 पार के नारे पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने पर इतना विश्वास होता तो विपक्ष के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करती, विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों को अपने दल में मिला रहे हैं। उससे लगता यह है कि उसको अपने पर विश्वास नहीं है। प्रचार दावे करना एक होता है और जमीनी हकीकत दूसरी होती है। अब राजस्थान में मैं जानता हूं कि इस बार माहौल ऐसा है कि लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। पायलट ने कहा कि भारत सरकार की तमाम एजेंसियों का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और इनमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और पुलिस या कोई भी हो, केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाज बुलंद करेगा उसको कुचलने का काम करेंगे। जैसे ही पाला बदलेगा उस पर गंगा जल छिड़क कर पाक साफ कर दिया जाएगा। इस बात को जनता भी देख रही है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले भविष्य के लिए, प्रजातंत्र और गणतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इस बार व्यक्ति नहीं दल और पार्टी देखकर वोटर वोट करेंगे। पायलट ने कहा कि 10 साल के बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड को देखकर लगता है कि मन बना लिया है कि देश में बदलाव जरूरी है। जो देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, प्रतिशोध, नफरत, दबाव, टकराव की राजनीति से लोग अब ऊब चुके हैं। युवा लोग रोजगार चाहते हैं, किसान भविष्य को बेहतर देखना चाहता है। कांग्रेस वो दल है जिसने ये गारंटी दी कि एमएसपी समर्थन मूल्य पर कानून बनाएंगे। ये एक ऐतिहासिक घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने। अब पायलट ने कहा कि बीजेपी ने अब तक जीएसटी, नोटबंदी, धर्म, राजनीति, मंदिर, मस्जिद पर ही बातें की है। आज लोग चाहते हैं कि आप वास्तविकता पर ध्यान दें, प्रमुख दल कांग्रेस के खाते सीज कर दें, उनके नेताओं को डराएं, धमकाएं, लालच दें। इस प्रकार की राजनीति को लोग अब पसंद नहीं करते। पीएम नरेंद्र मोदी के आग वाले बयान के सवाल पर पायलट ने कहा कि आमतौर पर विपक्षी दल सत्ताधारी नेताओं पर आरोप लगाता है। मैंने पहली बार देखा कि सत्ता में बैठे लोग नेहरू जी, मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगा रहे हैं और पुराने इतिहास को खंगाल रहे हैं। उन्होंने अपने 10 साल में क्या किया ये बताएं। पायलट ने कहा कि हम पर आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। बीजेपी में मुख्यमंत्री के बच्चे सांसद या विधायक नहीं है क्या? रमन सिंह, वसुंधरा राजे सहित तमाम बीजेपी नेताओं के बेटे सांसद रहे हैं। बीजेपी की पार्टी के नेताओं के बच्चे भतीजे राजनीति में चुनाव लड़ते हैं तो ठीक लगता है। एनडीए बिखर गया है और इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है। उनके मन में डर पैदा हो गया है कि इंडिया गठबंधन की पार्टी का साल 2019 में वोट शेयर 65% था, एनडीए को 35% वोट मिले थे। ये तो आंकड़े हैं, इन्हें कोई झुठला नहीं सकता, इसलिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग बातें और दुष्प्रचार कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। मैं मानता हूं कि जनता सब जानती है, इस देश का मतदाता बहुत समझदार है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये बड़ी चुनौती है? मीडिया कर्मियों ने जब ये सवाल किया तो पायलट ने कहा कि बाड़मेर में कोई चुनौती नहीं है, मुझे लगता है कि 25 में से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बाड़मेर में भाजपा का प्रचार करने वाला ही नहीं बचा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हम लोग ताकत और एकजुटता से लड़ रहे हैं, धर्म और जाति से उठकर हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास है और यही शायद जीत दिलाएगा।